हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के आज हमारे चैनल पर। एक बेसिक जी के टॉपिक करेंगे जो हमेशा वन डे एग्जाम्स में आता है, हमेशा वन डे एग्जाम में इसके इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ये टॉपिक हम लोग भी कई बार कर चुके हैं अलग अलग पार्ट्स में, अदर यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। हम लोग पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवर करेंगे इस टॉपिक को जिसका नाम है फर्स्ट। इस टॉपिक का नाम है फर्स्ट। यहाँ पर फर्स्ट इन इंडिया लगा दें तो फर्स्ट इन इंडिया बन जाएगा, फर्स्ट इन वर्ल्ड लगा दें, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट अवार्डी, फर्स्ट वुमेन, इन सारे फर्स्ट को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और ज़रूर से ज़रूर आपको एग्जाम में एक नंबर ये वीडियो दिला सकता है। वीडियो लंबा थोड़ा सा इस वजह से बन सकता है क्योंकि हमने सारे टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन स्टेट और बाकी सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डिटेलिंग वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अवार्ड्स एंड ऑनर्स वगैरह, रिसिपियंट जो हैं, वर्ल्ड में फर्स्ट क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, जैसे फर्स्ट इन द वर्ल्ड मैन, इन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट अपॉइंटीज ऑफ इंडिया, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि अब ज़्यादा नहीं आते हैं इस टॉपिक से, तो एक सरसरी निगाह डालेंगे इस पे। पहले राष्ट्रपति आप जानते हैं हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, वाइस प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, होम मिनिस्टर, ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि जनरली इस पर नहीं ध्यान जाता है लोगों का। फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे हमारे जॉन मथाई। हमारे फर्स्ट रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे आर के शानमुगम शेट्टी। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सी राजगोपालाचारी हमारे पहले गवर्नर जनरल थे, इंडियन गवर्नर जनरल, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया के हम लॉर्ड माउंटबेटन को ही मानते हैं, तो इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट गवर्नर जनरल ही थोड़ा सा देख के ऑप्शन के हिसाब से आप चूज़ करेंगे। फर्स्ट लोकपाल हमारे की पिनाकी चंद्र घोष, इनका अभी अपॉइंटमेंट हुआ है अप्रैल 2019 में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन है। इस समय हमारे जो CEC हैं वो कौन है, वो हैं आपके सुनील अरोड़ा, ठीक है, तो प्रेजेंट वाले का भी ध्यान रखिएगा ज़रूर। हमारे CEC हैं श्री सुनील अरोड़ा। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे, वजाहत हबीबुल्ला। इससे हमारे हमारे CIC कौन है बताइए लिख करके आप कमेंट में। फर्स्ट हमारे चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ये थे, प्रेजेंट में कौन है 2019 में हमारे चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कौन है कमेंट करके हमको बताइए। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा GV मालवंकर, इनका कई बार पूछा जा चुका है नाम। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल पूछा जा चुका है MC सीतलवाड़। NR पिल्लई हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी थे। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल राजेंद्र सिंह जी। और फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे हमारे एयर मार्शल थॉमस एल्मरिस्ट। फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे हमारे वाइस एडमिरल RD कटारी। चीफ ऑफ एयर स्टाफ 2019 की बात कर लें तो है हमारे करमबीर सिंह, ठीक है जी, करमबीर सिंह नाम इनका ध्यान रखिएगा आप। फर्स्ट हम इस समय हमारे, ठीक है, 2019 के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, ये हैं बीरेंद्र सिंह धनोआ, इनको BS धनोआ हम लिखते हैं। फर्स्ट इस समय हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए सेशन में, कमेंट करिए। अब इवेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला न्यूज़पेपर भारत में कौन सा छपा था, ये था आपका कलकत्ता गजेट, ये किसने छापा था, हिकी ने, ये आयरिश पर्सन थे एक। फर्स्ट इशू ऑफ पोस्टल स्टैम्प, सबसे पहला स्टैम्प, ठीक है, पहला स्टैम्प कब छापा गया था, 1825 में सिंध में। पहली टेलीग्राफ लाइन कहाँ पर डाली गई थी, कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक 1851 में डलहौजी के टाइम पर। रेलवे कब शुरू हुई थी, 1853 में। फर्स्ट एयर मेल इन इंडिया एंड वर्ल्ड, एयर मेल कब भेजा गया था इंडिया से वर्ल्ड में, तो 1911 में, ठीक है, ये बुमरौली से अलाहाबाद भेजा गया था 6 माइल की दूरी तक केवल। ब्रॉडकास्टिंग कब स्टार्ट हुई थी, यानी कि प्रसारण कब शुरू हुआ था, 1927 में। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया में इवेंट क्या हुए थे। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चलती है, ये पूरी डेट ध्यान रखिएगा, 23 फरवरी 1925। ऑल इंडिया रेडियो यानी अखिल भारतीय रेडियो की स्थापना कब हुई थी, 1936 में। दूरदर्शन यानी कि टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी 1959 में। हमारा पहला एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कब शुरू हुआ था, 1969 में। पहला न्यूक्लियर टेस्ट हमने कब किया था, 18 मई 1974, ठीक है। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट जो है, जो हमारा उपग्रह है, कब लॉन्च हुआ था, 19 अप्रैल 1975 में। कलर टीवी की शुरुआत कब हुई थी, 1982 में।
भारत में पहली मेट्रो रेल कहाँ से चली थी? कलकत्ता से 1984 से। इंटरनेट भारत कब आया था? 15 अगस्त 1995। ठीक है, बीएसएनएल लेकर के आया था इंटरनेट को। हमारा पहला चंद्र पर भारत का पहला अभियान कब शुरू हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को, इसको चंद्रयान बोलते हैं। हमारा मंगल पर प्रथम मिशन था, इसको मंगलयान बोलते हैं, 2013। भारत की पहली न्यूज प्रिंट फैक्ट्री कहाँ पर सेटअप की गई थी? ये नेपा नगर नाम की जगह पर एमपी में करी गई थी। देखिए, फैक्ट्स आपको लग रहा होगा कि बच्चों वाले हैं, लेकिन आप देखोगे कि एग्ज़ाम में सब पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। और अगर आप भारतीय हैं तो आपको ये सब चीज़ें, बेसिक जानकारी तो पता होनी चाहिए अपने देश के बारे में। इंडिया की पहली सीमेंट फैक्ट्री कब सेटअप की गई थी? 1904 में। ठीक है, कहाँ पर? चेन्नई में। भारत की पहली सबसे स्टील फैक्ट्री कब सेटअप की गई थी? 1907 में, जमशेदपुर में। और भारत की सबसे पहली कॉटन मिल बहुत पहले आ गई थी, 1854 में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारे स्टेट्स के पहले चीफ मिनिस्टर्स कौन थे। ठीक है, लिस्टिंग देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के पहले थे तंगुतुरी प्रकाशम पंतलू, हैदराबाद के थे एम के वेलोडी, आंध्र प्रदेश से थे नीलम संजीव रेड्डी, आंध्र प्रदेश जो सेपरेटेड वाला है उसके सबसे पहले थे चंद्रबाबू नायडू 2014 से, और तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, सब तेलंगाना जब डिवाइड हुआ था तो ऑफकोर्स 2014 से ही बनेंगे के चंद्रशेखर राव। अरुणाचल प्रदेश के प्रेम खांडू थुंगन, इनको पेमा खांडू बोल देते हैं। ठीक है, असम के गोपीनाथ बरदोलोई, बिहार के श्री कृष्ण सिन्हा, आपके छत्तीसगढ़ के अजीत जोगी, दिल्ली के चौधरी ब्रह्म सिंह, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, गोवा दमन और दीव दयानंद बंदोदकर थे, और गोवा के थे प्रताप सिंह राणे। ठीक है, गुजरात के थे जीवराज नारायण मेहता, हरियाणा से थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, हिमाचल प्रदेश के थे यशवंत सिंह परमार, जम्मू और कश्मीर के थे गुलाम मोहम्मद सादिक, झारखंड से थे बाबूलाल मरांडी, कर्नाटक से थे के चिंगारलिया रेड्डी, और केरल की तरफ से ईएमएस नंबूद्रीपाद, इनका नाम है, और रविशंकर शुक्ला मध्य प्रदेश के बने थे, बॉम्बे स्टेट के बने थे बीजी खेर। अब आपको ऐसे ही ध्यान रखना है क्योंकि पहले स्टेट का इतना डिवीज़न तो हुआ नहीं था 47 में, तो आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। महाराष्ट्र के थे यशवंत राव चौहान। ठीक है, यशवंत राव चौहान अवार्ड भी दिया जाता है इनके नाम पर। 2019 का किसको मिला है बताइए कमेंट करके, या लेटेस्ट किसको मिला है बताइए कमेंट करके अगर आप में पता है किसी को। मणिपुर के बने थे कोरेंग सिंह, मेघालय के बने थे विलियमसन एस संगमा, और मिजोरम के बने थे सी एच छुंगा, नागालैंड के बने थे पी शिलू आओ, और हरे कृष्ण महताब बने थे ओडिशा के, ओडिशा का एक बार पूछा गया था एग्जाम में। पंजाब से बने थे गोपी चंद भार्गव, पंजाब जब हरियाणा से अलग हुआ था तो ज्ञानी गुरमुख सिंह बने थे मुसाफिर, सिक्किम के बने थे काजी लेंडूप दोरजी, और हीरा लाल शास्त्री राजस्थान के बने थे, तमिलनाडु के सी एन अन्ना दुराई बने थे, मद्रास स्टेट के बने थे सी राज गोपालाचारी, ओ पी रामस्वामी रेडियार बने थे मद्रास स्टेट के, ये 1947 से 49 तक, और ये 1952 से 1954 तक। त्रिपुरा के बने थे सचिंद्र लाल सिंह, उत्तर प्रदेश के बने थे गोविंद वल्लभ पंत, और ये उत्तर प्रदेश वाला कई बार यूपी एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तराखंड के नित्यानंद स्वामी बने थे, उत्तराखंड जब अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, वेस्ट बंगाल के बने थे प्रफुल्ल चंद्र घोष। लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट वुमेन इन इंडिया की। ठीक है, भारत में प्रथम महिला, तो इसमें जो जो चीज़ें बता रहे हैं आप ध्यान रखिएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? ऑफकोर्स इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर, मतलब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट लेडी गवर्नर किसी भी भारतीय राज्य की कौन बनी थी? ये बनी थी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। और पहली लेडी चीफ मिनिस्टर किसी भी स्टेट की बनी थी? सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी। हमारे पहले लेडी मिनिस्टर किसी भी मतलब पोस्ट पर लेडी मिनिस्टर सबसे पहले कौन बनी थी? राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एज द मेंबर ऑफ आईएनसी, मतलब कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। ठीक है, हमारे चुनाव आयोग की सबसे पहली महिला अध्यक्षा कौन बनी थी? मिसिस रमा देवी बनी थी। ठीक है, हमारी सबसे पहले चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कौन बनी थी? दीपक संधू, दीपक संधू। रमा देवी और दीपक संधू जरूर ध्यान रखिएगा, ये अभी तक नहीं पूछे गए हैं ज़्यादा। हमारी पहली लोकसभा स्पीकर थी मीरा कुमार, आप जानते हैं पिछले टर्म में।
2014 से पहले तक फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, ये कई बार पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र सभा की पहली महिला अध्यक्ष मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित। सबसे पहली महिला एडवोकेट कौन थी? हमारी देश की सबसे पहली महिला अधिवक्ता थी कॉर्नेलिया सोराब जी, कॉर्नेलिया सोराब जी। अब उनको बताना है यहाँ पर भारत की पहली महिला जज कौन थी, या फिर हम कह सकते हैं कि हाई कोर्ट की सबसे पहली महिला जज कौन थी, आज़ादी से भी पहले बनाई गई थी, न्यायमूर्ति अन्ना चांडी। अन्ना चांडी नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि आज़ादी के बाद वाला, ठीक है, हाई कोर्ट के बाद मुख्य न्यायाधीश बनने वाली कौन थी, तो ये थी लीला सेठ। लीला सेठ ये आज़ादी के पहले 1937 बनी थी, और लीला सेठ बनी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? एम फातिमा बीवी, एम फातिमा बीवी। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला थी आरती साहा, आरती साहा। ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली महिला, ये कई बार पूछा गया एसएससी में, आगे भी पूछ सकते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता था, ठीक है, वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन में। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एशियाड मेडल, यानी कि एशियाड एशियन गेम्स में पहला मेडल किसने निकाला था? कमलजीत संधू ने, कमलजीत संधू। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल, ठीक है, बछेंद्री पाल। साउथ पोल तक जाने वाली या साउथ पोल पर झंडा फहराने वाली हमारी प्रथम भारतीय महिला है रीना कौशल धर्मशक्तु। नाम एक बार फिर से बोलूंगा, रीमा कौशल धर्मशक्तु। वीरता पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, ठीक है, जिसे सेना में मेडल मिला हो कोई भी, तो ये कौन थी? हमारी मेजर मिताली मधुमिता, मेजर मिताली मधुमिता। इन्होंने ब्रेवरी दिखाई थी अफगानिस्तान में, उसके लिए इनको सेना मेडल मिला था। अगला है हमारा कि फर्स्ट वुमेन टू ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी एज अ जवान, यानी जवान के रूप में भारतीय सेना ज्वाइन करने वाली पहली वुमेन, पहली भारतीय महिला बनी थी शांति तिग्गा, शांति तिग्गा। एक जवान के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला शांति है। अगला है हमारा मिस एशिया पैसिफिक का टाइटल जीतने वाली, मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली सुंदरी कौन? जीना तमान, ठीक है। मिस यूनिवर्स का टाइटल जीतने वाली पहली महिला सुष्मिता सेन, आप जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू मिस विन मिस वर्ल्ड टाइटल, यानी मिस वर्ल्ड टाइटल जीतने वाली, विश्व सुंदरी का खिताब जीतने वाली पहली महिला रीता फारिया, ठीक है, रीता फारिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कार्यभार संभालने वाली हमारी पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? सुषमा स्वराज। हालांकि ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इंदिरा गांधी ने भी अपने टेन्योर में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का चार्ज लिया था एडिशनल चार्ज के रूप में, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन के साथ है। अब अलग अलग पुरस्कारों में पहले रिसिपियंट कौन थे पूछा जाता है, यानी कि सबसे पहले पुरस्कार किसे मिला था। जब हम देखेंगे किन भारतीयों को सबसे पहले हमारे इंटरनेशनल और नेशनल पुरस्कार मिले, तो सबसे पहला पुरस्कार, हमारे देश का सबसे पहला पुरस्कार भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला था? ये मिला था एस राधा कृष्णन को, ठीक है, एस राधा कृष्णन को मिला था, और ये प्रेसिडेंट भी बने थे बाद में राजेंद्र प्रसाद के बाद, आप जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को मिला था पोस्ट ह्यूमसली, यानी कि मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला था? लाल बहादुर शास्त्री को, ठीक है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले साइंटिस्ट कौन थे? सीवी रमन। ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी कि प्रथम यहाँ पर व्यवसायी, ठीक है, जिसे भारत रत्न मिला था, वो है जेआरडी टाटा। भारत रत्न प्राप्त करने वाली आपकी प्रथम महिला कौन है? इंदिरा गांधी। पहला स्पोर्ट्स पर्सन जिसे भारत रत्न मिला था, वो है सचिन तेंदुलकर। अब साहित्यिक पुरस्कारों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? जी शंकर कुरूप हैं, जी शंकर कुरूप। साथ ही साथ 2019 वाले भी आपको बताते हुए चलते हैं। 2019 में किसे मिला है? ये मिला है अमिताभ घोष को, अमिताभ घोष। ये इनके अंग्रेजी में बहुत सारे फेमस उपन्यास हैं, ठीक है, LGBTQ कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, अमिताभ घोष नाम ध्यान रखिएगा। इनको मिला है 2019 के लिए, करंट अफेयर्स के लिए भी हो गया आपका, जीके के लिए भी हो गया 2019 में अमिताभ घोष। आगे बढ़ते हैं साहित्य अकेडमी पुरस्कार। साहित्य अकेडमी पुरस्कार सबसे पहले इंग्लिश में किसे मिला था, ये पूछा है आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा आर के नारायण। ऐसा इसलिए क्योंकि साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में आपको पता होगा कि हमारी 22 भाषाओं को मिलता है, मतलब 22 भाषाओं के जितने भी उत्कृष्ट ऑथर होते हैं उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड देती है हर साल। अवार्ड हर साल आ जाता है आपका जनवरी में,
ठीक है, जनवरी में हर साल आ जाता है, तो आपको हिंदी वाले ध्यान में रखने पड़ते हैं ज़्यादातर। फॉर इंस्टेंस जैसे विश्व मिथक सरित सागर जो है हिंदी में, इनको हिंदी के लिए मिला था लेटेस्ट, ठीक है, तो वैसे इंग्लिश में सबसे पहले मिला था आर्क नारायण को, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, लेटेस्ट वाले भी ध्यान रखेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न हमारे देश में स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा ऑनर अवार्ड माना जाता है, सबसे पहले इसको जीता था विश्वनाथन आनंद ने, चेस प्लेयर अभी भी एक्टिव हैं, ठीक है, इस साल का नहीं आया है राजीव गांधी खेल रत्न, हालांकि 2018 वाला अभी अभी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, सितंबर में इसको अनाउंस कर दिया जाएगा 2019 के लिए। 2018 के अवार्डीज कौन है, विराट है, विराट कोहली और मीराबाई चानू हैं, दो लोगों को मिला था संयुक्त रूप से। अब अगर पूछ लें कि पहली महिला अवार्डी कौन है, सबसे पहले महिला को किसको मिला था, तो कर्णम मल्लेश्वरी को बना मिला था, जिन्होंने सबसे पहले हमको ओलंपिक मेडल दिलाया था वेटलिफ्टिंग में। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के सबसे पहले प्राप्तकर्ता कौन है, सबसे पहले मिला था अपर्णा घोष को, ठीक है। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन थे, ध्यान रखिएगा अर्जुन अवार्ड बहुत सारे स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में दिया जाता है, लेकिन सबसे पहले क्रिकेट खिलाड़ी थे इसको प्राप्त करने वाले सलीम दुर्रानी। अब गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं, इनको बोलते हैं हम वीरता पुरस्कार, क्या बोलते हैं, वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला देखते हैं, परमवीर चक्र, ठीक है, ये सब सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार माना जाता है, ठीक है, सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार माना जाता है, हाईएस्ट ऑनर है, और जल्दी ये मिलता नहीं है, मरणोपरांत हमारे वीर सैनिकों को उनके शौर्य कार्यों के लिए दिया जाता है। तो परमवीर चक्र सबसे पहले किसको मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा को, मेजर सोमनाथ शर्मा को। और ओनली एयरफोर्स पर्सनल जिनको परमवीर चक्र अभी तक मिला है, ठीक है, ये हैं फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत शेखोन, इनका नाम बहुत ज़रूरी ध्यान रखिएगा, ये पहले और अभी तक के पहले ही, यानी इसके बाद कभी किसी को एयरफोर्स वाले को मेडल नहीं मिला है, ये इनको मिला था फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत शेखोन को। अशोक चक्र जीतने वाली पहली महिला कौन है, नीरजा भनोट, नीरजा भनोट, इन पर फिल्म भी बनी थी आपको पता होगा। अब अदर अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं, ये अदर अवार्ड्स में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इसको मिला था सबसे पहले यू थॉन्ट को। इंदिरा गांधी पीस डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट प्राइज किसको मिला था सबसे पहले, पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन को। 2018 में ये अवार्ड फाइनली किसे मिला है, ठीक है, दिसंबर के करीब ही आता है अवार्ड, इस साल भी आ सकता है। 2018 के बीच 2018 में अगर आपसे पूछ ले किसे मिला है, तो आपका जवाब देंगे ये मिला था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को, ये ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इसको इस साल ये अवार्ड मिला है। ये डिसआर्मामेंट को प्रमोट करने के लिए, शांति को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर इंटरनेशनल जस्टिस एंड हार्मनी ये किसको मिला था, यासिर अराफात को, यासिर अराफात। सबसे पहला उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार किसे मिला था, श्री चंद्रशेखर को, 1995 में जब इसकी शुरुआत हुई थी। हमारे गांधी पीस प्राइज जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, इसके प्रथम प्राप्तकर्ता है जूलियस नियर, जूलियस नायरे। कम्युनल हार्मनी अवार्ड के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, सामुदायिक सद्भावना पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता है असगर अली इंजीनियर, ठीक है। ये जो कम्युनल हार्मनी पुरस्कार है, सद्भावना पुरस्कार, ये एक व्यक्ति को अलग मिलता है और एक संगठन को अलग से मिलता है, ठीक है। तो व्यक्ति के रूप में सबसे पहले प्राप्त किया था असगर अली इंजीनियर ने, और एक ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के रूप में प्राप्त किया था कौमी एकता ट्रस्ट 1997 में, ठीक है। टैगोर अवार्ड फॉर कल्चरल हार्मनी, ठीक है, ये किसको मिला सबसे पहले, यानी कि सांस्कृतिक सद्भावना के लिए टैगोर पुरस्कार मिला था पंडित रविशंकर को। 2018 वाला किसे मिला है बताइए, 2018 वाला मिला है हमारे जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का डिज़ाइन तैयार किया था, राम वनजी सुतार को, राम वनजी सुतार को मिला है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है हमारे एग्जाम में, टैगोर अवार्ड फॉर कल्चरल हार्मनी 2018 वाला किसे मिला है, राम वनजी सुतार को। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था किसी भी फील्ड में, वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, गीतांजलि के लिए। हमारे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में टाइम मैगजीन के कवर पर छापे जाने वाले पहले शख्सियत कौन थे, महात्मा गांधी, इनको 1930 में छापा गया था, ठीक है, और 2019 में अभी नहीं आई टाइम मैगजीन का कवर, 2018 दिसंबर में किसको छापा गया था, इसमें रिपोर्टर्स को छापा गया था, ठीक है, तीन चार रिपोर्टर्स को छापा गया था उसमें, जिसमें सलमान खगोशी भी शामिल थे। आप जान रहे हैं कि टाइम मैगजीन कोई ना कोई कैंपेन सपोर्ट करता है हर साल, जैसे 2018 में, 18 से पहले 2017 में उन्होंने छापा था साइलेंस ब्रेकर्स को, ठीक है, उसमें उन्होंने उन महिलाओं की तस्वीर लगाई थी जिन्होंने यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई थी मीटू मूवमेंट में।
यूनेस्को का कलिंग पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? जगजीत सिंह। और बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? सलमान रश्दी। सलमान रश्दी हमारे पहले इंडियन सिटीजन, ठीक है, जिन्होंने बुकर प्राइज़ जीता, प्रॉपर इंडियन सिटीजन। एक बात ध्यान रखिएगा, वैसे तो डिस्प्यूटेड है ये चीज़, क्योंकि बुकर प्राइज़ देखिए जीता तो था सलमान रश्दी ने सबसे पहले भारत के लिए, लेकिन बाद में इन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप ले ली थी। अरुंधति रॉय आज भी इंडिया में है, हालांकि इनके विचार थोड़े लिबरल टाइप के हैं। तो इन ये पहली ऐसी फर्स्ट इंडियन सिटीजन मानी जाती है प्रॉपरली, जिन्होंने बुकर प्राइज़ इंडिया को दिलाया था। इनकी किताब आती है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसको मिला था पुरस्कार, ठीक है, इनकी पहली किताब थी, पहली नॉवेल, और इसी को सम्मानित किया गया था। पुलित्जर प्राइज़ के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? इनको मिला था रिपोर्टिंग की कैटेगरी में, ये गोविंद ला बिहारी लाल ने। पुलित्जर प्राइज़ जो है 22 कैटेगरीज में हर साल दिया जाता है, ठीक है, और ये ज़्यादातर अमेरिका के अखबार मैगजीन को प्रमोट करते हैं, उन्हीं को देते हैं, लेकिन पहले भारतीय को मिला था गोविंद बिहारी लाल को। क्रिकेट में सर गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी, जिसको गैरी सॉबर्स ट्रॉफी बोलते हैं, सबसे पहले किससे जीती थी? राहुल द्रविड़ ने। और लगातार 3 बार से विराट कोहली जीत चुके हैं, इस साल के भी विराट कोहली के पास से, ध्यान रखिएगा। सीवी रमन थे पहले नोबेल पुरस्कार जीतने वाले साइंटिस्ट हमारे, ठीक है। निशाने पाकिस्तान अवार्ड जीतने वाले हमारे पहले भारतीय थे मोरारजी देसाई। मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे। मैग्सेसे पुरस्कार आपको बता दूं, इस साल भी मिले हैं दो भारतीयों को, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, एक तो है सोनम वांगचुक, ठीक है, एक है सोनम वांगचुक, दूसरे का नाम आपको कमेंट में लिख करके बताइए। अच्छा छोड़िए ना, बताइए, भरत वटवाणी है, ठीक है, लोग कहने लगते हैं फिर सब कमेंट में लिखना है तो वहाँ वीडियो क्यों देखें। भरत वटवाणी है और सोनम वांगचुक है, पेन अच्छा नहीं चल रहा है लेकिन समझ लीजिए, 2019 का मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें मिला है। मैग्सेसे को हम लोग बोलते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार। बांग्लादेश स्वाधीनता पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? इंदिरा गांधी। फर्स्ट इंडियन और इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जिनको राइट लाइवलीहुड पुरस्कार मिला था 1984 में, वो कौन है? इला भट्ट इंडिविजुअल की कैटेगरी में, और उनके संगठन सेवा को, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन को मिला था राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, ठीक है। फर्स्ट रिसिपिएंट कौन है वर्ल्ड फूड प्राइज़ के, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा? एम एस स्वामीनाथन, ठीक, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया बोलते हैं इनको, नॉर्मन बोरलॉग को बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। हूवर मेडल सबसे पहले किसे मिला था? ये मिला था हमारे एपीजे अब्दुल कलाम को। अमेरिका का प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है ये, एक्स्ट्रा करियर सर्विसेज के लिए इंजीनियर्स को बेसिकली ये मिलता है, जो ह्यूमैनिटी के क्षेत्र में यानी कि मानवतावादी कार्य करते हैं उनको मिलता है। DSC एशिया पुरस्कार जो है ये साहित्यिक पुरस्कार है, ठीक है, साउथ एशियन लिटरेचर प्राइज इसको बोलते हैं, ये उस ऑथर को मिलता है जो अपना उत्कृष्ट लेखन करता है और कोई ऐसा कार्य करता है जिसमें उसकी कृति में साउथ एशिया की बात की गई हो, ठीक है। तो ये सबसे पहले मिला था हमारे इंडिया की तरफ से जीत थाइल को, जीत थाइल। और प्रिट्जकर पुरस्कार जीतने वाले सबसे पहले हमारे भारतीय कौन है? बालकृष्ण दोषी, इन्होंने 2018 में जीता था, ठीक है। अब की बार इंडियन को नहीं मिला, अब की बार एक जापानीज पर्सन को मिला है, जापानीज आर्किटेक्ट को, इसको आर्किटेक्चर का नोबल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब फर्स्ट इन द वर्ल्ड के बारे में हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट इन द वर्ल्ड भी थोड़ा थोड़ा पूछा जाता है, जैसे फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट्स आपसे पूछते हैं, ठीक है, फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट्स। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सबसे पहले कौन? लियाकत अली। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड रॉबर्ट वॉलपोल। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएस जॉर्ज वाशिंगटन को बोलते हैं। बांग्लादेश के पहले प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान को बोलते हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले आपके प्रेसिडेंट कौन बने थे? सन याट सेन बने थे। सर एडमंटन बार्टन बने थे प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के सबसे पहले। इसराइल के बने थे डेविड बेन गुरियन। साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने थे चार्ल्स रॉबर्ट स्वार्ट। प्राइम मिनिस्टर रशिया के सबसे पहले बने थे बोरिस येल्सटिन। और प्राइम मिनिस्टर नेपाल के सबसे पहले बने थे रामवरण यादव। केबीसी में जब पहले केबीसी आता था तो 25 लाख रुपए के लिए एक बार ये सवाल पूछा गया था, ठीक है, हालांकि वो फेक लगता है मुझको, लेकिन ठीक है, जीके तो मजबूत होनी चाहिए आपकी। फर्स्ट वुमेन इन स्पेस की बात कर सर फर्स्ट मैन इन स्पेस की बात करें तो यूरी गागरिन है यूएसएसआर की तरफ से, ठीक है। फर्स्ट पर्सन ऑफ अफ्रीकन डिसेंट इन स्टेट, यानी कि अफ्रीकी मूल का पहला पर्सन जो स्पेस में गया था वो है आर्नल्ड टमायो मेंडीज, वो क्यूबा की तरफ से थे। नॉर्थ पोल रीच करने वाला पहला पर्सन रॉबर्ट पियरी, ये यूएसए से थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्सन कौन? एडमंड हिलेरी, ये न्यूजीलैंड से थे, ठीक
ठीक है, अभी थोड़ा डिस्प्यूट है लेकिन एडमंड को ही हमेशा एग्जाम वालों ने माना है इसमें। साउथ पोल रीच करने वाले पहले पर्सन रोल्ड एडमंडसन थे, ये नॉर्वे तरफ से थे। सरकम नेविगेट करने वाले वर्ल्ड को सबसे पहले थे एनरीक, ठीक है, ये मले आइलैंड से थे। जो सबसे पहले व्यक्ति मून पर गया था वो नाइल आर्मस्ट्रॉन्ग है, यूएस की तरफ से। आप जानते हैं उनको, हम बचपन से उनका नाम सुनते आ रहे हैं। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन कौन थे, ये ट्रिग्वी लाई थे, ये थे नॉर्वे की तरफ से। फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड के बारे में बात कर लें तो फर्स्ट वुमेन इन स्पेस हो जाएंगे वेलेंटीना टेरेस्कोवा, ये भी यूएसएसआर की तरफ से, ठीक है। फर्स्ट वुमेन जिन्होंने अटलांटिक को क्रॉस किया सोलो फ्लाइट में, वो कौन है, एमेलिया ईयर हार्ट हैं। अभी मई के करंट अफेयर में मैंने बताया है कि आर्कटिक को सोलो स्केल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं, उनका नाम है भावना कंठ। क्या नाम है, भावना कंठ, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है आगे एग्जाम में। आर्कटिक को पार करने वाली पहली भारतीय महिला भावना कंठ सोलो फ्लाइट में। फर्स्ट वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, ये जंको तैबेई हैं, ये जापान से हैं, ठीक है। फर्स्ट वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल, ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन है, शार्लोट कूपर, ये इंग्लैंड से हैं। हमारे पूरे वर्ल्ड की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री, यह भी SSCGL ने पूछा था, ठीक है, SSCGL ने पूछा था हमसे 4 तारीख में, तो श्रीमावो भंडार नाइके बनी थी श्रीलंका की तरफ से, ठीक है। श्रीलंका की दो कैपिटल हैं इस समय, ठीक है, एक तो कोलंबो है, एक जयवर्धनपुरे कोट्टे है, ध्यान रखिएगा। अमेरिकन वुमेन जो सबसे पहले स्पेस पे गई थी उनका नाम है सैली राइड, सैली राइड। फर्स्ट फीमेल जो कि स्पेस में गई थी उनको, वो है पेगी विटसन, पेगी विटसन, सॉरी सॉरी ये मिस्टेक है। फर्स्ट फीमेल कमांडर इन कमांडर ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये हैं पेगी विटसन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हम लोग, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स के बारे में बात कर लें तो सबसे पहली प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री की पूरे वर्ल्ड में, वो श्रीमावो भंडार नाइके हैं, ठीक है। इसराइल की पहली महिला प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर हैं। भारत की पहली कौन है, ये इंदिरा गांधी है ऑफकोर्स। यूएस की कौन बनी थी, मार्गरेट थैचर बनी थी। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान में बनी थी, खालिदा जिया बांग्लादेश में बनी थी। एडिथा क्रीसन बनी थी फ्रांस में, और कनाडा में बनी थी। किम कैंपबेल, जूलिया गिलार्ड बनी थी ऑस्ट्रेलिया में। इन सब के नाम तो आपको याद रहते ही होंगे, इनका डे वगैरह सब मनाया जाता है, आपने पढ़ा होगा पेपर में। जैसे मुझे ऑस्ट्रेलिया का याद था, इनका याद था, इनका भी याद था, फ्रांस का नहीं याद था। एंजेला मार्कल जर्मनी की ऑफकोर्स, ये अभी भी रही थी, ये चांसलर हैं, ठीक है, वहाँ पर चांसलर होते हैं। फिलीपींस की कौन है, कोराजन एक्वीनो है। और चंद्रिका कुमारतुंगा, ये श्रीलंका की पहली प्रेसिडेंट बनी थी, ठीक है। मेघावती सुकर्ण पुत्री, ये इंडोनेशिया की बनी थी प्रेसिडेंट, इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बन गए अभी, उनका नाम है जोको विडोडो। करेंट अफेयर भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। जीके के अलावा प्रेसिडेंट लाइबेरिया के सबसे पहले बने थे एलन जॉनसन सर्लीफ, और प्रतिभा पाटिल इंडिया की प्रेसिडेंट बनी थी, और दिल्मा रूसुफ ये बनी थी ब्राज़ील की प्रेसिडेंट। पार्क ग्विन ही ये बनी थी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट, और अमीना गुरीब फकीम बनी थी मॉरिशस की प्रेसिडेंट। विद्या देवी भंडारी ये हाल में बनी थी, 4-5 साल पहले प्रेसिडेंट, और अभी भी बनी हुई हैं। हम लोग फर्स्ट इन स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं, एनिमल और ह्यूमन। तो फर्स्ट एनिमल इन स्पेस है आपका लाइका, ये एक डॉग था, ये स्पुटनिक 2 में गया था 1957 में। स्पेस क्राफ्ट का नाम ध्यान रखना उतना ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट प्राइमेट इन स्पेस, ये एक रीसस मंकी गया था जिसका नाम एल्बर्ट 2 था। फर्स्ट मैन इन स्पेस कौन है, यूरी गागरिन है ऑफकोर्स। फर्स्ट वुमेन इन स्पेस हम देख चुके हैं, वेलेंटीना टेरेस्कोवा। फर्स्ट पर्सन टू वॉक इन स्पेस एलेक्सी लियोनोव, फर्स्ट पर्सन टू वॉक इन स्पेस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पर्सन टू वॉक इन स्पेस, फर्स्ट वुमेन टू वॉक इन स्पेस है ये स्वेटलेना सेविट्सकीवा हैं। फर्स्ट अमेरिकन इन स्पेस ये है एलन शेफार्ड। फर्स्ट अमेरिकन टू ऑर्बिट द अर्थ ये जॉन ग्लेन है। फर्स्ट मैन ऑन मून ये नाइल आर्मस्ट्रॉन्ग है। हमारे पहले भारतीय कौन गए थे स्पेस में, ये राकेश शर्मा गए थे ऑफकोर्स, जिन पर फिल्म भी बनने वाली है। यूएस से जो वुमेन है वो स्पेस में गई थी सैली राइड। फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट कौन थे, डेनिस टीटो। फर्स्ट वुमेन स्पेस टूरिस्ट थी अनुशी अंसारी। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस थी कल्पना चावला। फर्स्ट चाइनीज इन स्पेस थे लेफ्टिनेंट कर्नल यांग लिवी, और फर्स्ट चाइनीज वुमेन इन स्पेस थी लिव यांग। फर्स्ट फीमेल कमांडर ऑफ स्पेस थे एलिन कोलिन्स।
अब फर्स्ट सैटेलाइट के बारे में बात कर लेते हैं कंट्री वाइज, थोड़ा थोड़ा आपको ये भी पता होना चाहिए। फर्स्ट सैटेलाइट यूएसएसआर के द्वारा स्पूटनिक के नाम से गया था, अमेरिकन सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 है, ब्रिटिश सैटेलाइट एरियल 1 है, कैनेडियन सैटेलाइट एलिट 1 है, इटालियन है एसएन मार्को, फ्रेंच सैटेलाइट है एस्टेरिक्स, जैपनीज सैटेलाइट है ओशमी, चाइनीज सैटेलाइट है डोंग फैंग होंग, इजरायली सैटेलाइट है ओफेक 1, पाकिस्तानी सैटेलाइट है बद्र, और फर्स्ट ईरानी सैटेलाइट है सीना। तो बस इतना आप देख सकते हैं लिस्टिंग, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। बाकी हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं, अगर आपको इसमें कोई भी एडमिशन लेना है तो क्वेरी के लिए कॉल कर सकते हैं इस गिवन नंबर पर, नीचे नंबर है यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, दिखा देते हैं ये वाले नंबर पर आपको कॉल करना है अगर आपको कोई भी हमारा इनमें से पेड ग्रुप ज्वाइन करना है। कोई भी क्वेरी है आपकी पेड ग्रुप से रिलेटेड स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो खाली इन्हीं दो नंबरों पर बात करने के लिए प्रेफर करिएगा। हम लोग दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।